मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब मंगलवार की देर रात अपराधियों द्वारा एक पत्रकार की चाकुओं से गोद कर उसके घर से महज चंद कदमों की दूरी पर हत्या कर दी गई। पूरा मामला मंगलवार देर रात मनियाड़ी थाना क्षेत्र का है, जब जिले का एक पत्रकार शिवशंकर झा इसी थाना क्षेत्र में अपने घर के माड़ीपुर स्थित आवास की ओर लौट रहा था, तभी अचानक अज्ञात अपराधियों द्वारा उसके बाइक को घेर कर उस पर चाकुओं से दर्जनों वार किए गए। पत्रकार शिवशंकर झा चाकुओं के वार से स्तब्ध होकर वहीं गिर गया, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से घायल पत्रकार को SKMCH पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद पुलिस वालों ने उसके घर वालों को सूचना दी, जिसके बाद पूरे अस्पताल परिसर में परिजनों की चीख पुकार गूंजने लगी। वहीं घटना को लेकर जिला के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि मामले की जानकारी मिली कि एक व्यक्ति पर चाकुओं से हमला करके उसे घायल कर दिया गया है। घायल की पहचान मनियाड़ी निवासी पत्रकार शिवशंकर झा के रूप में की गई है। शिवशंकर मुजफ्फरपुर में पिछले 20 साल से विभिन्न मीडिया संस्थानों में बतौर पत्रकार कार्यरत थे। हत्या के बाद उनका मोबाइल फोन भी गायब बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में इन दिनों आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ, जो कहीं न कहीं यहाँ की पुलिसिंग पर कई गंभीर सवाल खड़ी करती है। मंगलवार की सुबह बेला औद्योगिक क्षेत्र में एक महिला कर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया गया। वहीं महज 12 घंटे के अंतर मनियाड़ी थाना क्षेत्र में पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या चाकू मारकर कर दी गई। पत्रकार शिवशंकर झा के भाई उमाशंकर झा ने बताया कि पहले भी उन्हें कई बार धमकी दी गई थी और जान से मारने की बात भी कही गई थी। मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले पर डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस इस घटना के लिए विशेष टीम बनाकर जांच करेगी। इसके लिए अधिकारियों को बोला गया है। बताते चले कि पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या के बाद बुधवार सुबह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट X पर सरकार के खिलाफ इस हत्या का जिक्र करते हुए टिप्पणी की थी, जिसके बाद सरकार और पुलिस एक्टिव मोड में आ चुकी है। कोई आधार है? हम बच्चों को लेके क्या करेंगे? झोटा दो झोटा झोटा बच्चा क्या घटना क्या? बाप रे बाप, गरीब आदमी, बाप रे माता खाता था कोई सोना हो, चाकू मार दिया, बाप रे बाप रे। बस न्याय दिलवा दीजिए, जो भी है जैसे भी करके न्याय दिलवा दीजिए, न्याय चाहिए। बाप रे बाप, बाप रे बाप। दो चार आदमी बोले थे तो बोल रहे ग्रामीण को सब नहीं ऐसे में हमको नहीं पता। बाप रे, लेकिन पांच आदमी आके तब बोल के कहते ना सक पे तो हम करेंगे ही ना, चाहे वो जो कर ले। हमको सुरक्षा चाहिए सरकार से। आज मेरे जब जाते इतना अट्टा कट्टा पति को मार दिया, कल क्या डेट है? हम 4 सास है, मैं 2 बच्चे हम हैं। कल मेरे बच्चे को भी मार देगा, हमको भी मार, मेरी बुरी सास को भी मार देगा। पर साल हमको सम 4 व्यक्ति है, हमको सुरक्षा चाहिए। किस लिए पत्रकारिता करेगा जब उसका परिवार का सुरक्षा नहीं दिया सरकार? झूठ फूट के पत्रकार, चौथा स्तंभ है पत्रकार, चौथा स्तंभ। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मैं चौथा स्तंभ हूँ, लेकिन क्यों उनको मार दिया कि बेदर्दी से? हमको सरकार से बस इतना ही, उनको न्याय दिला दीजिए, हमारी सुरक्षा चाहिए हमारे चारों का। क्या गारंटी है कि कल हमारे परिवार पर नहीं पड़ेगा? इसका रिस्क कौन लेगा?
कौन नहीं लेगा इसका रिक्स जमे पे पड़ेगा। धमकी उमकी भी दिया था पहले क्या? हाँ धमकी दिए वो था जिनके पर जिनका धमकी का नाम जो बोले हैं समाज वाले हैं समापरे हम नहीं किसी से हम लड़ सकते हैं, लेकिन प्रशासन हो सरकार हो जांच करे, जांच करके सच्चाई सामने लावे। कोई तो मार दिया ना, ग्राम गांव के जा हो या शहर के हो या कोई भी हो, यहाँ पे मेरे ग्रामीण में आके मार दिया ना, बस हमको न्याय चाहिए, हमारे पति का न्याय चाहिए, हमारे चारों का सुरक्षा चाहिए। बाप रे डर आप लोग को भी बना हुआ है? बाप रे बिल्कुल बना हुआ, जो उतना छह फीट का इंसान को मार दिया बेदर्दी से ताम से क्या है, क्यों नहीं डरेंगे? जब वो हत्यारा को दो मासूम बच्चे का बाप को मारते हुए दया नहीं लगा तो उसको हम लोग को मार देगा तो क्या होगा? हत्यारा भागल, बाप रे बाप। आवेदन दिए हम दे दिए थाना में आवेदन। पुलिस कोई कार्रवाई अभी तक कुछ? पुलिस कार्रवाई कर रही है, करेगी नहीं? विश्वास तो सबसे बड़ा विश्वास होता है, विश्वास करेंगे थाना नहीं करेगा तो ऊपर जाएंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे हम, अपने पति को इंसाफ दिला के रहेंगे। हम वो हमको छोड़ के गए ना, तब इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाएंगे उनको चाहे हम जैसे दिलवाए। और ना तो सरकार से गुजारिश है कि हम चार व्यक्ति पे हम चारों को आके मार देवे, हम चारों खत्म हो जाएंगे, बिना बात खत्म, बस इतना ही है, या तो न्याय दिलवा दीजिए। जैसे अपने बच्चों से माँ से बातचीत किया था तो उन्होंने मतलब बताई थी कि जो बड़े बड़े आदमी लोग हैं वो लोग आकर दरवाजे पर धमकी उमकी देके जाते हैं, घर पे कोई नहीं रहता है, कब मारते मार दें कोई ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग सोचे कि गाँव के आदमी है ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये हकीकत में घटना घट जाएगा और आज घटना का हम लोग सामना कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये उम्मीद करता हूँ कि मतलब उसको जो बच्ची है, दो बच्ची है उनके पास, एक बेटी एक बेटा है, छोटे छोटे हैं, उनकी विडो वाइफ है, उनको मतलब कोई सही फैसला मिला जाए, सही मतलब जो निदान दिया जाए, कोई मतलब उनको फाइनेंशियल हो या फिर जैसे भी हो थोड़ा सा मतलब सहयोग मतलब मिल सके, ताकि अपना जीवन याचिका फिर से पाल सके, या फिर मतलब छोटा भाई, मेरा छोटा भाई था, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। क्या जानकारी मिला था आपको इस घटना के बारे में? घटने के बारे में जानकारी यही मिला था कि रात को 12:30 बजे के आसपास में मुझे बताया कि आप नोम वर्धन मतलब आपका भाई अभी यहाँ पे नहीं रह गया जी, तो मैं मतलब भैया कब चल रहे हैं जल्दी चलिए वहाँ से, तो फिर मैं रात को अपना रिजर्व करके आ गया, सुबह आ गया 9 बजे के आसपास में, और आने के बाद जो है मैं आपके साथ में वहाँ पर क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम है सुबह से लेकर अभी तक अभी जस्ट पहुँचा ही हुआ। विवाद में ऐसे माना जाए तो हमारा कोई विवाद है ही नहीं सर, ना किसी से रंजिश है ना किसी से दुश्मनी है, क्योंकि हम 2 रुपये कमाने वाले हैं, अब कमाकर खाने वाला आदमी है सर, हमारा मतलब यही हमारा एक तरह से ये, मैं भी फौज में सर्विस कर करके आया हूँ 26-28 साल नौकरी करके आया चलने वाले को लेकर कुछ। हाँ सर ये न्यूज़ की ही बातें पर मतलब विवाद हुआ था, और जिसके तरफ मतलब पॉजिटिव होता है तो वो थोड़ा सा खुश होते हैं, जिसके तरफ निगेटिव होता है वो थोड़ा सा ये होता है, तो इसी की वजह से मतलब वो आपसी विवाद हुआ था और उसके घटना में अंजाम लोग दिए गए। इसको मैं इस तरह एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस संदर्भ में जो भी मतलब जो है अपराधी है उनको मतलब सही तक सख्त कार्रवाई किया जाए, उस पर मतलब सज़ा मिलना चाहिए, और इस हमला को मतलब जो से एक न्याय या तो जॉब अपॉर्चुनिटी हो सके तो बिहार सरकार में अगर हो सके तो मतलब मिल सके तो बेहतर। धमकी वगैरह भी कुछ मिला था क्या? हाँ सर धमकी 2-3 बार मिल चुका है इनको। इसकी शिकायत की थी थाना में? नहीं सर थाना में हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि मतलब ये हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि इतना बड़ा काम हो ही जाएगा करके, क्योंकि गांव के आदमी थे, गांव का मतलब जो है सो छोटी मोटी मतलब हमेशा झोंक झोंक होते रहता है, तो लोग हम लोग यही सोच करके हम लोग कभी भी इसको लाइकली लिए, ये नहीं सोचे कि हाँ मतलब ये ऐसा भी हो सकता है करके, लेकिन आज मैं लाइकली लेने का अंदाज बोलते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी और हमारा मतलब आज हमारे भाई जो है सो हमारे नज़दीक से निकल गया। कुछ मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं? मैं यही बताना चाहूँगा आपको, बार बार यही बताना चाहूँगा आपको कि आप लोगों के चैनल के अनुसार या फिर माध्यम से या फिर शासन प्रशासन जो भी हैं उन लोगों के माध्यम से कि अब जो वो वापस आने वाला तो है नहीं, लेकिन अब जो उनका पीछे 2 बच्चे हैं फैमिली है अपनी याचिका चलाने के लिए, या तो कोई मुआवजा हो, मुआवजा अगर हो सके तो मतलब उपलब्ध हो सके तो मतलब आप लोगों के माध्यम से अगर हो जाए तो बहुत ही उत्तम है, और नहीं तो कोई अपॉर्चुनिटी अगर हो तभी मतलब अच्छा है, और कुछ भी मतलब अगर हो तो मतलब सहयोग किया जाए इसमें मतलब है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम उमाशंकर झा हुआ, मैं शिवशंकर झा का बड़ा भाई हूँ और मैं रांची में अभी फिलहाल रह रहा हूँ अभी। बीती रात्रि में एक पत्रकार पर हमला किया गया जिसकी मृत्यु हो गई है, क्या कुछ जानकारी?
हम बीते रात्रि मनियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत माणीपुर के रहने वाले शिवशंकर झा पत्रकार हैं, जो कहीं से वापस घर लौट रहे थे मोटरसाइकिल से, तो रास्ते में पाकर चौक के पास कुछ अपराधकर्मी उनको रोक कर करके चाकू मार दिया, दो जगह चाकू मारा, जिसके कारण पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहां गई और उनको जख्मी हालत में उठा करके SKMCS भेजा गया, जहां इलाज क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अभी मृतक के परिवार तरफ से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, न बयान दे पाए हैं लोग, न आधिकारिक आवेदन दिए हैं। फिलहाल पुलिस अपने उस सभी अपराध ये हत्या के पहलू पर अनुसंधान कर रही है और बहुत जल्द ही इसमें पुलिस को सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से इसमें जो भी शामिल अपराधकर्मी हैं उसको गिरफ्तार की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर घटना का? प्रथम दृष्टया दो तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण तो पैसे के लेन देन की ही हो सकती है, जैसे कि पता चलती है। दूसरा कारण पत्रकारिता कारण में भी बहुत लोग दुश्मन बन जाते हैं, अगर सच्ची खबर किसी के बारे में लिख देते हैं तो उसके कारण भी उनके कुछ दुश्मन बन जाते हैं। और जो भी बिंदु हैं, जो भी अनुसंधान क्रम में जो भी आ रहे हैं डिफरेंट बिंदु, सभी बिंदुओं पर छानबीन चल रही है, जो भी होगी त्वरित कार्रवाई होगी और गिरफ्तार की जाएगी अभियुक्तों को। क्या कुछ शराब माफिया के साथ भी कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या मामला हो सकता है? हाँ, ये भी बात प्रकाश में आई है कि शराब माफिया से भी इनकी अदावत चल रही थी और दो तीन दिन पहले आकर के इस मामले में धमकी भी दिया गया था। इस बिंदु पर भी छानबीन चल रही है, अनुसंधान चल रही है।